नमस्कार, निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे आलू के पापड़, मसालेदार और कुरकुरे, और उन पांच बातों पर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको आलू के पापड़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आलू जब आप बाजार से लाएं तो देख लें वो एकदम साफ हो और उसकी जो स्किन है वो स्मूथ हो, यानी जो कच्चा आलू होता है उसकी स्किन थोड़ी सी रफ सी रहती है, वो नहीं होनी चाहिए। और आलू साफ सुथरा होना चाहिए, दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, वरना पापड़ का कलर उतना बढ़िया नहीं बनेगा। ये 1.5 किलो आलू हमने अच्छे तरीके से धोए और उबाल कर ले लिए। उबालते समय ध्यान रखना है कि वो अंडर कुक नहीं रहने चाहिए, जरा भी टाइट नहीं होने चाहिए। अब इनको ग्रेट करेंगे, तो कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, और ग्रेटर छोटा वाला या मीडियम साइज का लीजिए। ज़्यादा मोटे से आप ग्रेट करेंगे तो पापड़ में गांठें रह जाएंगी। पहले तो जब हम बचपन में पापड़ बनाते थे, आलू को फोड़ा और उसे अच्छे तरीके से पीस लेते थे सिलोड़े से। आलू का जो साइज आप लें वो बहुत ज़्यादा बड़े भी मत लीजिए, थोड़े मीडियम साइज के लीजिए। ज़्यादा बड़े हो गए तो उन्हें उबालते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो देर से उबलते हैं। ज़्यादा छोटे भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा छोटे हुए तो आपको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और घिसने में भी टाइम लगेगा। आलू ग्रेट हो गए और अब इनको मिलाते हुए अच्छा सा डो बना लीजिए। अब इस तरीके से जैसे आप डो बनाते हैं, पूरा इसको मलते रहिए, 5-6 मिनट लगेंगे, ताकि हमने जो ग्रेट किया है वो एक जैसा मिल जाए। इसे मैंने 5 मिनट तक इस तरीके से गूथ लिया है, आराम से गूथा है। देखिए ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब इसमें डाल दीजिए थोड़े से मसाले। ये 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक व्रत वाला, क्योंकि आप इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं और आप सादा नमक भी डाल सकते हैं इसकी जगह। 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालना, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो वो डाल दीजिए। और अब इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए। नमक और मिर्च अच्छे से मिल गए, यह हमारा डो बन गया। अब किसी भी प्याली में 2 टेबल स्पून ऑयल निकाल लीजिए। सरसों के तेल में स्मेल आने लगती है, इसलिए सरसों का तेल नहीं लीजिए। रिफाइंड ऑयल लीजिए, मूंगफली का हो या सूरजमुखी का हो, तो थोड़ा सा हाथ पे लगाइए। और अब इससे बनाते हैं लोइयां। 2 उठा लेते हैं, थोड़ा हाथ पर ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये चिपकेगा। पापड़ आप अपनी पसंद से थोड़े से बड़े या थोड़े छोटे, जैसे भी रखना चाहे रख लीजिए। इस तरीके की गोल लोई बना लीजिए और इसे रख लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरीके से हम सारे डोसे लोइयां बनाएंगे। तो अब इन लोइयों से पापड़ बना लेते हैं और इस डो को ढककर रख देते हैं। पापड़ सुखाने के लिए हमने प्लेटफॉर्म पे एक ये पॉलीथीन सीट बिछा ली है, और डायरेक्ट पॉलीथीन सीट पर ही बेलेंगे, चकले बेलन का यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा तेल हाथ पर लेके एक लोई उठाइए और थोड़ा सा तेल ऊपर और रख दीजिए, और कहीं तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोई बनाई है उनके ऊपर नीचे तेल चाहिए। और ये 2 लोइयां हमने रख ली इकट्ठी, 2 पापड़ बेल लेंगे। आसानी से प्रेस होता है, बिल्कुल ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये ले ली हमने एक थाली प्लेट, कुछ भी ले लीजिए। इससे इस तरीके से दोनों हाथ रख के थोड़ा दबा दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, मीडियम प्रेशर लगाते हुए। काफ़ी बड़ा हो गया पापड़, अगर हमें इसे और पतला करना है तो अब आप उंगलियों से थोड़ा सा बढ़ाइए इसे। पापड़ जितने पतले होते हैं उतने ही अच्छे लगते हैं। मैं थोड़े से बड़े साइज के पापड़ बना रही हूँ, ये साइज आप अपने हिसाब से रख लें। एकदम अच्छा सा बिल गया। अब इस पॉलीथीन को आप आराम से इस तरीके से हटा लीजिए। अब ये दूसरा पापड़ ऐसी पोजिशन पर रखें कि ये पूरा आ जाए। तो ये मैंने थोड़ा सा और खिसकाया, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ज़रूर होना चाहिए। और अब बेलना उसी तरीके से है, थोड़ा सा हाथ से दबा दीजिए। और अब इस थाली से, और अब थोड़ा सा उंगलियों से आराम से पॉलीथीन को इस तरीके से कि पापड़ उसके ऊपर उठ के नहीं आना चाहिए। तो सारे पापड़ इसी तरीके से बना लीजिए, बहुत आसान है इन्हें बनाना। और आप इन्हें धूप में चाहे धूप में सुखा लीजिए, धूप नहीं है तो पंखे में रख दीजिए, पंखे में भी सूख जाता है। आप पूरे पापड़ को उंगलियों से भी बेल सकते हैं, यानी कि आप अगर हाथ से थोड़ा सा दबा दिया फिर इस तरीके से उंगलियों से
जैसे आप पहले कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करना है। आप इसे उंगलियों से बढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उंगलियाँ ज़्यादा देर तक चलानी पड़ेंगी। थाली से बढ़ाते हैं तो ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है। देखिए बन गया ना पहले वाले पापड़ के बराबर। तो ये पापड़ हमने बना लिए, पॉलीथीन पूरी भर गई है, इसे उठा के रखाते हैं धूप में। 3 घंटे की धूप लग रही है अनवरत और ये सूख गए हैं। देखिए आप इसे उठाए, बिल्कुल भी गीले नहीं है। जब ऐसे हो जाए पापड़ एकदम सीधे हैं, तब आप इन्हें एक के ऊपर एक रखते जाए और अब इसके तक और भी भारी चीज रख दीजिए, जैसे ये चकला, और 2-3 घंटे ये ओवर नाइट छोड़ दीजिए और सुबह फिर से खोल के अलट पलट कर सुखाइए। 3 घंटे के बाद मैं ये चकला हटा देती हूँ इनके ऊपर से और इन्हें एक एक करके इस तरीके से फैलाने डाल देते हैं, एकदम सीधे के सीधे सूख जाएंगे। 2 दिन में पापड़ अच्छी तरह से सूख गए और ये कितने पतले हैं और टेढ़े मेढ़े भी नहीं है। अब इन्हें तल लेते हैं। गरम तेल में डाल दीजिए और चिमटे की हेल्प से तलिए, बहुत आराम से तल जाते हैं। बस तुरंत उठाइए पलटिए और इन्हें तलने के लिए तेल हाई गर्म होना चाहिए। बहुत जल्दी सीखते हैं ये, जितने आपको एक बार में सर्व करने हैं उतने तल लीजिए और देखिए कितने कुरकुरे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आलू के पापड़ बन गए, बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और ये हमेशा अच्छे बने उनके लिए आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। जब आप बाज़ार से आलू लाएं तो देख लें कि उनकी जो स्किन है ऊपर की वो चमकदार हो, ब्राइट हो। 2, आलू में जब मसाले मिलाएं तो पहले उसे कस कर अच्छे तरीके से मसल कर डो फॉर्म में ले आएं। जब वो डो बन जाए तब आप चिली फ्लेक्स या कुटी हुई मिर्च मिला लीजिए, मिर्च का पाउडर बिल्कुल मत मिलाइए। और 3, आपको आसानी से बनाने हैं तो इन्हें चकला बेलन से नहीं, इस तरीके से प्लेट या थाली से दबाएं, इसके बाद थोड़ा सा उंगलियों से बढ़ा लें, बहुत ही आसानी से पापड़ बन जाएंगे। और 4, पापड़ बना के सुखाने रख दिए तो उन्हें थोड़ा सूखने दीजिए, बार बार पलटिए मत। जब वो सूख जाए, ऐसे हो जाए कि आप उन्हें एक के ऊपर एक रख सकें और वो चिपके नहीं, तब एक के ऊपर एक लगाइए और भारी चकले से या किसी भी भारी चीज़ से दबा के रख दीजिए। 2-3 घंटे उन्हें दबे रहने दीजिए, इसके बाद उन्हें एक एक करके सुखाने के लिए डालिए, अलट पलट कर सुखा लीजिए और स्टोर करके रख लीजिए। ऐसा करने से पापड़ टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, सीधे सीधे रहेंगे, कम जगह में स्टोर हो जाएंगे। और तलते समय आपको ध्यान रखना है, तेल ज़्यादा गर्म हो तब आप पापड़ को तलने के लिए डालें चिमटे से और फटाफट पलट के निकाल लें, ये बहुत जल्दी तल जाते हैं, आप बहुत अच्छे पापड़ बनाएंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और बताइए कैसे लगे। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।